सीएम योगी की ऑनलाइन लोकप्रियता में लगातार इजाफा, ट्विटर पर 25 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबका तोड़ा रिकॉर्ड। आचार्य परमहंस दास ने हिंदू राष्ट्र को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 7 नवंबर तक सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे वरना संत हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रेटर नोएडा में ड्रेस कोड का मामला आया सामने, जारी हुआ नोटिस, कहा लुंगी और नाइटी पहनकर ना घूमे लोग, प्रॉपर ड्रेस में निकलने को कहा गया। यूपी के बिजनौर में पड़ोसी युवक से तंग आकर बच्ची ने दी जान, अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, परिजन शव लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। यूपी प्रयागराज घाट में डूब रहे थे 3 बच्चे, आरएएफ के जवान ने बचाने के लिए लगाई छलांग लेकिन नहीं मिली सफलता, जवान समेत 3 की हुई मौत। बागपत में खाने के विवाद में हलवाइयों की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, शादी में आए शराबी युवकों ने खाने के विवाद में पिटाई की। ग्रेमिंग धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर, पुलिस के कब्जे में बद्दू का लैपटॉप, लैपटॉप से बद्दू ने गायब किया है सारा डाटा। पीलीभीत के खेत में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मौत की वजह जानने के लिए कराया जा रहा है तेंदुए का पोस्टमार्टम। गाजियाबाद में पुलिस ने बद्दों से पूछे 250 से ज्यादा सवाल लेकिन बद्दों ने नहीं दिए सवाल के जवाब, पूछताछ के दौरान खुद को बेगुनाह बताया। गाजियाबाद में 30 मई को नाबालिग बच्चे का धर्मांतरण कराने वाली मौलवी अब्दुल रहमान हुआ गिरफ्तार। लखनऊ एयरपोर्ट पर 1,16,00,000 का सोना हुआ बरामद, शारजाह से सोना छिपाकर ले जा रहा था यात्री, 2 यात्रियों के पास से बरामद हुआ सोना। यूपी के शाहजहांपुर में किसान की पीट पीट कर हत्या, जमीन कब्जे के विवाद में की गई हत्या, मृतक के परिजनों ने थाने में किया हंगामा। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ में शराब के नशे में चोर युवतियों ने पहले कार से बाइक में मारी टक्कर, उसके बाद बाइक सवार को पीटा। बहराइच में घर पर इंजीनियर पति गर्लफ्रेंड के साथ मना रहा था रंगरेलिया, अचानक पत्नी भाइयों के साथ पहुंच गई, दोनों भाइयों ने जीजा को जमकर कूटा। बिजली को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, 22 जून तक घर की नहीं जाएगी बिजली। बीजेपी का आज यूपी के कई शहरों में मेगा कार्यक्रम, 22 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन और 5 लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच शुरू, नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों की होगी चेकिंग। बरेली में हनी ट्रैप गैंग से जुड़ी एक और एफआईआर, महिला को न्यूट कर वीडियो बनाई, रेप किया, गैंग में शामिल होने का बनाया दबाव। बेटे बहू से मुलाकात को तड़प रहा है मुख्तार अंसारी, कोर्ट से लगाई गुहार।